दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रदीप ब्लॉग्स में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठंडी का मौसम है और हवा चल रही है और बहुत ही सुंदर खेत और खलिहान बहुत ही सुंदर ठंडी में दिखने में लग रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज आप लोग को दिखाते हैं और भ्रमण करने के लिए हम लोग सारे दोस्त निकले हुए हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग को पर्चे भी उन लोगों से कराते हैं और दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। अब आप लोग को अपने मित्र से और अपने फ्रेंड से मिला रहे हैं। देखिए, ये अरविंद कुशवाहा हैं और ये यादव जी हैं ये बगल में, और ये हैं आदित्य कुशवाहा और ये रहे पंकज कुशवाहा। चलिए, ये लोग आप लोग को भ्रमण कराएंगे। देखिए क्या क्या स्पीच देते हैं, क्या क्या बताते हैं गांव के बारे में और यहाँ के मतलब जो यहाँ पर रोपा जाता है, खेती होता है, उसके बारे में बताएंगे ये लोग फसल के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग गेहूं के फसल में आ चुके हैं और ये देखिए अरविंद कुशवाहा गेहूं के फसल के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए दोस्तों, इनसे सुनते हैं गेहूं के फसल के बारे में क्या क्या बताते हैं। चलिए, खेत में अभी आ चुके हैं और ये गेहूं के फसल भी दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आज गेहूँ की फसल कैसी होती है। गेहूँ की फसल उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अधिक बोई जाती है। और दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि गेहूँ की फसल एक हमारी रबी की फसल है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो यह नवंबर अक्टूबर में बोई जाती है और उसके बाद हम लोग यह दो बार सिंचाई किया जाता है और मतलब खाद तो अपने अनुसार दिया जाता है। और बताने वाला हूँ कि अप्रैल मई में काट दिया जाता है और बाकी के मतलब आगे की फसल और हैं, जैसे हम लोग की सरसों की फसल है, तो हमारे आगे वाले कमेटी बताएँगे दोस्तों। दोस्त अरविंद कुशवाहा ने बताए हैं गेहूं के बारे में, अभी हम आपको बताने वाले हैं सरसों के बारे में, जो हमारी बहुत मदद करती है। ये है सरसों, इसे हम तेल निकाला जाता है। आप लोग देखे हैं कि अरविंद कुशवाहा और पंकज कुशवाहा ने गेहूं की फसल और सरसों की फसल के बारे में बताए हैं गाँव के बारे में। चलिए दोस्तों, अब भ्रमण करते हैं हम लोग अपने एरिया को, कैसा दिखता है और कैसा लगता है। चलिए दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे ब्लॉग्स वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त।